मॉर्निंग गाइस, आज है 29 अगस्त और सुबह से बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। सो अभी तो जा रहा हूँ मैं दूध लेने, दूध और ओट्स खाएंगे आज ब्रेकफास्ट में। तो मिलता आपको सूट जल्दी से, फिर फ्रेश होके जाएंगे कॉलेज। भाई बढ़िया दूध ले लिया अपन ने, बढ़िया आज खाएंगे प्रोटीन ओट्स। रेडी, वो प्रोटीन शेक भी अपना रेडी हो गया है। इसमें मैंने कुछ नहीं, दूध डाला एक पैकेट और एक स्कूप GNC का प्रोटीन, सो मैं इसे पीता हूँ। फिर रेडी हो गए, फिर जाएंगे हम बस स्टॉप, बस से जाएंगे कॉलेज। मस्त है, बढ़िया से जुगाड़ से अपन ने भर लिया है। इसमें BCAA है और इस वाले में भरा है प्रोटीन। और गाइस यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी GNC के प्रोडक्ट्स, फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट यूज़ माई प्रोमो कोड सूरीनॉटी। सो जाते हैं बढ़िया डाइट के, स्मार्ट बनकर निकल लिए हैं कॉलेज के लिए। अभी जा रहे हैं बस स्टॉप, फिर बस से जाएंगे कॉलेज। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस लिए थोड़े से फ्रूट्स हमने, एप्पल और बनाना, और बस में पहुंच गए और बढ़िया सबसे बात करी बस में कैसा किया है। उसके बाद हमारे बस ड्राइवर सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया टाइम पे जाया करो, बस लेट होती है, सबसे रिक्वेस्ट करते हैं बढ़िया से। एंड गाइस आ गए थे हम बस से उतर के हमारे कॉलेज सैम में, साइन इन करी हमने हमारी इंटर्नशिप। उसके बाद चले गए हम हमारे कैबिन में, हमारे कॉलेज में, सैम ग्लोबल हॉस्पिटल। उसके बाद करा ब्रेकफास्ट संदीप भाई के साथ, पोहा खाए और स्प्राउट्स खाए। उसके बाद आ गए थे मैं अपने कैबिन में काम करने। आज का हमारा IPD का पेशेंट है राजकुमारी है, जिसको है मुख पाक, जिसमें रहते हैं नादी बड्डी और काम को ज़्यादा उर्दू। सो करता हूँ मेरा काम, मिलता हूँ सुन स्टेटिंग। सो गाइस अब आ रहे हैं टेम्पल और टिकिंग होकर कैंप रजिस्टर। सो बहुत भूख लग रही है। फिर गाइज लंच में गए थे कैंटीन में थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ खाना खाया। फिर यहाँ पर एक कंपटीशन चल रहा था गर्ल्स का, रेसिंग का। और अपनी लड़के लड़के जीत रही है ना, हमारा डिपार्टमेंट जीत रहा है। मैम ब्लॉग में डालना पड़ता है ना, क्या हो रहा कॉलेज में आज? बढ़िया कमाल। रेस देखने के बाद आ गए थे हम हमारे कॉलेज की टपरी में, और बढ़िया ये भाई कुत्तों के मज़े ले रहा था। फिर वापस आ गए हम, और यहाँ पर उमा पागलपन की हरकतें कर रही थी, आप देख सकते हैं खुद ही हंस रही थी पागलों जैसे, पता नहीं कुछ भी बातें करती है यहाँ बैठ कर ये। उसके बाद चले गए थे मस्ती करने के बाद हम चले गए हमारे कैबिन में रेस्ट करने। और अपनी नींद भी हो गई है, व्लॉग भी एडिट कर लिया है और अपन ने अपलोड भी कर दिया है। तो अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर जाएंगे जिम और आज करेंगे पावरफुल बैक वर्कआउट। सो मैं आपको सुन स्टे ट्यून्ड। चार जा रहे हैं साइनिंग ऑफ करने हमारी इंटर्नशिप को, फिर जाएंगे बस से डायरेक्ट जिम। सो मिलता हूँ आपको सुन स्टे ट्यून्ड। हाय गाइस, ए करके इधर देख गाइस, ये बहुत है। तो गाइस आ गए हैं जिम हमारे मसल पार्क, करते हैं वर्कआउट। तो गाइस आ गए हैं जिम और बस कर रहे हैं चेंज, फिर जाएंगे वार्म अप करेंगे, फिर करेंगे आज बैक वर्कआउट, कोई बहुत तगड़ा वाला करेंगे बैक वर्कआउट। बस मेरा चार्जर सही हो जाए, थोड़ा सा केबल में प्रॉब्लम आ रही है और बैटरी मेरी 8% है, बट ट्राई करेंगे पूरा वर्कआउट शूट करने का। सो मिलता आपको सून, स्टे ट्यून्ड। सो गाइस फ़ोन चार्ज नहीं था, 3-4% फ़ोन चार्ज था, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं कार्डियो ही कर लेता हूँ, बिकॉज थोड़ा फ़ोन चार्ज रहेगा तो वीडियोस अच्छे से बन सकती है। तो मैंने बढ़िया 40-50 मिनट कार्डियो करा, जो मैं वेट ट्रेनिंग की बात करता बट पहले कर लिया, और थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा था बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक गया था और आज मुझे बैक वर्कआउट करना था।
और डेडलिफ्ट भी मारना था, बट कोई ना, करेंगे फिर भी। तो गाइस फाइनली कार्डियो हो गया कंप्लीट और फोन भी हो गया हमारा जैसे तैसे 65%। अब जाते हैं ऊपर, करेंगे बैक वर्कआउट और पूरी जो एनर्जी थी वो तो कार्डियो में चली गई, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। डेड लिफ्ट तो मारने आज का टारगेट है 140 kg, होप सो बढ़ जाए। सो जाता हूँ मैं ऊपर पसीना पहुँच कर, करेंगे बैक वर्कआउट चालू, सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस BCAA पीकर कर दी हमने हमारा वर्कआउट स्टार्ट और बढ़िया एनर्जी प्रोवाइड हो गई थी हमें। बैक वर्कआउट में हमेशा स्टार्ट करता हूँ डेडलिफ्ट से, 50 kg से स्टार्ट करा मैंने डेडलिफ्ट, जिसके मैंने अप्रॉक्स 30-40 रेप्स मारे और जो मुझसे सक्सेसफुली अच्छे से लग गए थे विद परफेक्ट पॉस्चर। उसके बाद इसके मैं 4-5 सेट मारता हूँ और थर्ड सेट में गाइस मैं 130 kg के 5 रेप्स सक्सेसफुली मारता हूँ आफ्टर 1.5 ईयर्स के बाद, बिकॉज जिम मेरी बंद थी और एनर्जी भी लो लगता था और उतनी पावर भी नहीं बची थी। आई जस्ट पुश माई सेल्फ हार्डर डे बाई डे। उसके बाद गाइस मैं ट्राई करता हूँ 150 kg का, जो आज मेरा टारगेट था उससे 10 किलो ज़्यादा मारने का, और इसके मैं परफेक्टली मार लेता हूँ 2 रैप्स। बहुत ज़्यादा पावर लगती है तो, बट फिर भी मैंने ट्राई करे 2 रैप्स का और परफेक्टली 2 रैप्स मुझसे पड़ गए थे। उसके बाद गाइस मैं ट्राई करता हूँ 160 kg का, आपको देख सकते हैं वेट यहाँ पर, बट थोड़ा सा मैं थक गया था तो मुझसे नहीं लिफ्ट हो पाया, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू लिफ्ट बट मुझसे नहीं हो पाया। आप देख सकते पूरी बैक मेरी बैंड हो गई थी, तो पीछे भैया है उनने बोला बैक बैंड हो रही है मत करो, बैक में प्रॉब्लम जाएगी, तो मैंने ट्राई नहीं करा। नेक्स्ट वीक ट्राई करेंगे। उसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज मैं करता हूँ लेट पुल डाउन। लेट पुल डाउन के मैं 4-5 सेट मारता हूँ, जिसके रेपिटेशन में से जितने हाई हो सकते उतने हाई में रेपिटेशन करता हूँ। उसके बाद गाते हैं गाइस अपन मिड बैक पर। मिड बैक की एक्सरसाइज मैं स्टार्ट करता हूँ, इसके मैं 4-5 सेट मारता हूँ, रेपिटेशन जितने मुझसे हाई जा सकते हैं उतने ज़्यादा करता हूँ मैं। उसके बाद फोर्थ एक्सरसाइज भी गाइस मेरी रहती है मिड बैक की, जिसके मैं सेट मारता हूँ 4-5, रेपिटेशन रहते हैं 20-30 के बीच में। उसके बाद लोअर बैक की एक्सरसाइज करके मैं करता हूँ अपना बैक वर्कआउट कम्प्लीट, इसके भी मैं 4-5 सेट मारता हूँ, रेपिटेशन जितना मुझसे इंक्रीज़ होता जाता है उतना करता हूँ। उसके बाद चले जाता हूँ मैं फ्रेश होने और बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। तो गाइस वर्कआउट हो चुका है कम्प्लीट और कार्डियो मैंने पहले कर दिया था, अभी थोड़े 10-15 मिनट साइकिल चलाई थी बस, और बहुत मस्त वर्कआउट था अपना। बैक का थोड़ी उम्मीद थी शायद 150 kg लिफ्ट हो जाए, बट नहीं हो पाया, कोई ना नेक्स्ट वीक ट्राई करेंगे। सो बहुत थक गया हूँ, अब जाता हूँ फ्रेश होता हूँ, रेडी होता हूँ, फिर जाना है हनुमान जी के मंदिर। सो तो वाइज निकल लिया फ्रेश होकर, बट पानी बहुत गिर रहा है, कोई ना आता है अपने पास। अभी जा रहे हैं हनुमान जी के मंदिर, फिर वहाँ से जाएंगे रूम, तो मिलता आपको सून, स्टे ट्यून्ड। बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा था, अम्ब्रेला था तो भी थोड़ा बहुत गीला हो गया था मैं। उसके बाद पहुँच गया जैसे तैसे हम मंदिर पहुँच गए, हनुमान चालीसा का पाठ करा, बजरंग बली जी के हमने दर्शन करे, आशीर्वाद लिया उनका, और पानी अभी भी बंद नहीं हुआ था तो मुझे मंदिर में ही रुकना पड़ा। और यहाँ पर बड़ी एक छोटा बच्चा मस्ती कर रहा था, उसके साथ थोड़ी सी मस्ती करी। उसके बाद निकल लिए हम रूम के लिए, आ गए हैं बारिश से जैसे तैसे निकल कर, अब जा रहे हैं चेंज करने, फिर खाएंगे खाना, और बहुत ज़्यादा थकान लग रही है। सो व्लॉग कर रहा हूँ मैं यहीं पर, एंड खाना खा के सो जाऊँगा। सो मिलता हूँ आपको कल के व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय श्री राम। व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर कर दीजिए जितना हो सकता है उतना शेयर कर दीजिए, और अच्छा था आज का वर्कआउट। बस धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ानी है, अपनी पावर बढ़ानी है, और स्ट्रिक्टनेस और पेशियंस, हार्ड वर्क, ये सारी चीज़ें बढ़ानी है। तो मिलता हूँ आपको सून, जय श्री राम।